हरे कृष्णा, हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम एक बड़ी विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, एकादशी 2 दिन क्यों आती है? कौन सी वाली एकादशी में व्रत करें? तो आज हम पुराणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कौन सी एकादशी रखना सही है। देखिए, ऐसा होता है 10वीं तिथि के बाद 11वीं तिथि, उसे एकादशी कहते हैं। ये एकादशी महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये दोनों ही एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है, सबको करना चाहिए। तो कौन सी एकादशी करें? तो बताते हैं कि जब 10वीं तिथि अगर एकादशी के साथ मर्ज हो जाए तो उस एकादशी को खंडित एकादशी कहते हैं। यानी कि फिर एकादशी का व्रत जो एकादशी द्वादशी में मर्ज होती है उस एकादशी को रखा जाता है। इसको शास्त्रों में पूर्व वृद्धा और परिवृद्धा के नाम से बोला गया है। यानी कि पूर्व वृद्धा, जो पूर्व में वृद्ध हो गई, यानी 10वीं में एकादशी का मिश्रण हो जाने से उसे पूर्व वृद्धा एकादशी कहते हैं, और परिवृद्धा यानी एकादशी का द्वादशी में मिश्रण हो जाने से उसे परिवृद्धा एकादशी कहते हैं। इसको सूर्य सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। सूर्य सिद्धांत क्या होता है? यानी कि 10वीं तिथि एकादशी के साथ जब मिल रही होती है तो पता चलता है कि सूर्य उदय के बाद भी 10वीं तिथि चल रही है, और एकादशी सूर्य उदय के बाद प्रारंभ हो रही है, और एकादशी चलते चलते द्वादशी जिस दिन आती है उसके सूर्य उदय से पहले ही एकादशी चल रही होती है, इसलिए उसे परिवृद्धा एकादशी कहते हैं। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार हमें 10वीं और 11वीं 10वीं और एकादशी मिश्रण वाले दिन व्रत नहीं रखना है। 11वीं और 12वीं मिश्रण वाले दिन यानी द्वादशी वाले दिन उसका व्रत करा जाता है। आप कहेंगे ऐसा करने से क्या ठीक है, एकादशी वाले दिन व्रत करना चाहिए ना, तिथि तो एकादशी है, क्यों नहीं करना चाहिए? स्कंद पुराण में इसका प्रमाण दिया गया है। दश्यम एकादशी यत्र तत्र सन्नीतो असुरः, द्वादशी एकादशी यत्र तत्र सन्नीतो हरिः। बड़ी मजेदार बात बताइए कि जब दशमी में एकादशी का मिश्रण हो तो सन्नीतो असुरः यानी असुर प्रवृत्ति, डिमोनिक मेंटिलिटी, राक्षसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। आपने तो कहा भाई, हमारे कैलेंडर में तो लिखा है 11वीं एकादशी इस दिन पड़ रही है, लेकिन क्या आपने सूर्य उदय को चेक किया? क्या आपने वैष्णव कैलेंडर को चेक किया? इस्कॉन की जो कैलेंडर आता है, वैष्णव कैलेंडर, उसमें साफ साफ दर्शाया जाता है सूर्य सिद्धांत को पालन किया जाता है। इसलिए लोगों में कंफ्यूजन होता है, भाई आपने कल एकादशी क्यों करी है, हमने तो कल ही कर ली थी, आप आज क्यों कर रहे हैं, हमने तो परसों कर ली थी, ऐसे क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं? क्योंकि लोग सूर्य सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे, पुराणों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, सन्नितो असुरहा, असुर प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, व्रत करके भी असुर बनने का फल। ओहो, इससे तो अच्छा है कि व्रत ना करें। अरे व्रत करना है, जिस व्रत को करने से हमें इतना भगवान की भक्ति का फल मिलता है, इतने हजारों पुण्य प्राप्त होते हैं, वो व्रत सही रूप से करना चाहिए। तो सन्नितो हरि या सन्नितो असुरहा, अगर हम 10वीं एकादशी मिश्रण वाला करेंगे तो असुर प्रवृत्ति, और एकादशी द्वादशी वाला व्रत करेंगे तो फिर हमारे अंदर हरि भक्ति का जो है ना फल प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो हम व्रत करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान ने उनकी गाइडलाइन भी तो दी है शास्त्रों में कि कैसे उसका पालन करना है। ये थोड़ी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी व्रत कर रहे हैं, तो ये अपनी मनोकाल्पनिक धारणाओं से नहीं होता है, पुराणों के आधार पर इसको करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो नहीं करते हैं वो अपने माता पिता के हत्यारे होने का पाप पाते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत सोच समझ के करना चाहिए, और उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मुख्य सिद्धांत हमें समझना चाहिए। और साथ में ये ध्यान रहे कि एकादशी व्रत के अगले दिन पारण जो होता है, अगर आपने एकादशी जो 10वीं में एकादशी मिश्रित है वो आपने रखी, और द्वादशी जिस दिन व्रत करना था उस दिन आपने पारण कर लिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए द्वादशी को व्रत करके और पारण त्रयोदशी को किया जाएगा, जब मिश्रण एकादशी और द्वादशी का हो, जब सूर्य
उदय होने से पहले ही तिथि लग रही हो उसे ही संपूर्ण एकादशी कहते हैं, यानी कंप्लीट एकादशी कहते हैं। अगर आपने सूर्य उदय से पहले जो तिथि लगी है उसके अलावा आपने कभी ऐसे व्रत कर लिया कि सूर्य उदय हो गया और तिथि बाद में लग रही है, उसे खंडिता एकादशी कहते हैं। उस खंडित एकादशी को करने से कोई फल नहीं मिलता, बल्कि असुर प्रवृत्तियों का प्रकोप होता है। तो आशा करते हैं आप एकादशी के इस इतने सुंदर पवित्र व्रत को अनुसार शास्त्रों के रखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।